हेलो दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस की परेशानी हमारे भारत में बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आज के समय 50 साल की उम्र के लोगों में करीब एक तिहाई लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस नी की दिक्कत है। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी होता क्या है? घुटने में धीरे धीरे पेन शुरू हो जाना, स्वेलिंग आने लगना, चलने फिरने में जोड़ों में जकड़न महसूस होना, सीढ़ियां चढ़ना उतरने में दिक्कत होना, ये सारे ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की परेशानी महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा पाई जाती है और बड़ी तेजी से प्रोग्रेस भी होती है। खासकर मेनोपॉज के बाद महिलाओं में ऑस्टियोआर्थराइटिस की परेशानी और ज्यादा स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के कई सारे इलाज हैं जिससे इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, इसकी स्पीड को कम किया जा सकता है और आपको बिना पेन के अपनी लाइफ गुजारने में मदद हो सकती है। लेकिन क्या इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट है? ऑस्टियोआर्थराइटिस नी का जो परमानेंट ट्रीटमेंट है उसे टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। टोटल नी रिप्लेसमेंट एक ऐसी सर्जरी है जिसमें घुटने का वो हिस्सा जो आर्थराइटिस की वजह से डैमेज हो गया है उसको मेटल और प्लास्टिक कोटेड इम्प्लांट से बदल दिया जाता है। इसमें जांघ की हड्डी के निचले हिस्से और पैर की हड्डी के ऊपरी हिस्से में जहाँ पे आर्थराइटिस है, जहाँ कार्टिलेज खराब हो गई है, उसको हम स्मूथ इम्प्लांट्स से रिप्लेस कर देते हैं, जहाँ पे एक मेटल का पीस ऊपर एक नीचे फिट हो जाता है और इसके बीच में एक हाईली क्रॉसलिंक पॉली डाल दी जाती है। ये जो इम्प्लांट्स हैं ये करीब करीब आपके ओरिजिनल घुटने की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं और 2 से 3 महीने के टाइम में आप करीब करीब अपनी पुरानी लाइफ पे वापस लौट जाते हैं, जहाँ पे घुटने में अब कोई दर्द नहीं रहता, कोई जकड़न नहीं रहती, कोई स्टिफनेस नहीं रहती। लेकिन क्या आपको टोटली रिप्लेसमेंट की जरूरत है? कैसे डिसाइड करें इस बारे में? ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो शुरुआती स्टेज होती है आमतौर पर उसमें दवाइयां और फिजियोथेरेपी बड़े अच्छी तरीके से काम करती है। उन किसी केसेस में जब परेशानी थोड़ी और बढ़ने लगती है या जिन लोगों का वजन थोड़ा ज्यादा होता है या जैसे मैंने आपको शुरू में बताया फीमेल्स के केसेस में जब ये परेशानी और आगे बढ़ जाती है तो इवन कई सारे इंजेक्शन हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं घुटने में। लेकिन अगर बीमारी बहुत एडवांस स्टेजेस में बढ़ गई है, कैसे पता चलेगा आपको एडवांस स्टेजेस के बारे में? अगर घुटने टेढ़े होने लगे हैं, चलना फिरना आप 100 कदम भी ठीक से नहीं चल पाते, बाजार आ जाना आपका बंद हो गया है, किसी फंक्शन में नहीं जा पाते घर के, ये सब प्रॉब्लम हो रही है और साथ ही साथ आपके एक्सरेज में जोड़ों के बीच में जो गैप है वो बिल्कुल खत्म हो गया है, जिसे हम एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ऐसी सिचुएशन में टोटल नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही कामयाब प्रोसीजर है, एक बहुत ही कामयाब सर्जरी है जिससे आपको बिल्कुल पेन फ्री और एक बहुत ही फंक्शन के साथ जीने वाली जिंदगी मिल जाएगी।